नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो पावर ग्रेड में आया हुआ है। तो पावर ग्रेड का यह पेपर है, तो आज इसको सॉल्व करेंगे। यह पेपर लगा था 14 नवंबर 2018 को, जो जूनियर टेक्नीशियन का है। तो इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि सेकंड पार्ट जल्दी ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत से लगी आग का शमन केवल किसके द्वारा ही करना चाहिए? ऑप्शन एक है फोम के प्रकार के अग्निशामक, ऑप्शन दो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक के प्रयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर तीन है जल के प्रयोग, ऑप्शन नंबर चार है सोडा अम्ल प्रकार के अग्निशामक के प्रयोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक के प्रयोग द्वारा ही करना चाहिए। किसका? विद्युत से लगी आग का शमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहो प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन एक न तो प्रत्यावर्ती धारा और न ही दिष्ट धारा की आपूर्ति, ऑप्शन दो है केवल दिष्ट धारा आपूर्ति, ऑप्शन तीन है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों की आपूर्ति, ऑप्शन चार है केवल प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसी व डीसी, दोनों ही आपूर्ति के लिए किया जाता है इसका उपयोग, लोह प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संवाहक जिसे कंडक्टर कहते हैं, एक संवाहक का गुण जो इसके माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक है वोल्टेज, दो है प्रवाहकत्व, ऑप्शन तीन है धारा, ऑप्शन चार है प्रतिरोध। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, जिसे रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो यह धारा प्रवाह का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 HP की शक्ति वाली एक प्रेरण मोटर के लिए प्रेरण मोटर प्रारंभक अर्थात स्टार्टर होगा। ऑप्शन एक प्रत्यक्ष ऑनलाइन प्रारंभ स्टार्टर, जिसे DOL स्टार्टर भी कहते हैं, ऑप्शन दो है स्वतः परिवर्तक प्रारंभक, जिसे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कहते हैं, ऑप्शन तीन है प्रतिरोध प्रकार प्रारंभक, जिसे रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर भी कहते हैं, ऑप्शन चार है तारा प्रारंभक अर्थात स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो यह प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च होता है या होती है? ऑप्शन एक प्रतिबाधा, ऑप्शन दो है प्रेरकत्व, ऑप्शन तीन है धारिता, ऑप्शन चार है प्रतिरोध। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरकत्व, जिसे इंडक्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमिगत नलिकाओं में तार लगाने का दूसरा नाम क्या है? कंड्यूट पाइप वायरिंग का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन एक ओपन वायरिंग, ऑप्शन दो डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग, ऑप्शन तीन है वुडेन केसिंग कैपिंग वायरिंग, ऑप्शन चार है लेड शीथेड वायरिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग, इसका दूसरा नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक CRO में स्क्रीन में 10 मिलीसेकंड के स्वीप समय के साथ अनुमानित आरा दंतावृत्ति, जिसे शो टूथ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो वह होगी। तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? एक एक बटे मिली सॉरी समय अर्थात सेकंड में, तो 10 मिली सेकंड।
समय कितना है 10 मिली सेकेंड। तो इसको इस प्रकार लिखने पर जैसे 10 माइनस का तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 0 से 0 कैंसिल, अर्थात क्या बच जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा 100 हर्ज, क्या होगी 100 हर्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर की सीमा के विस्तार के लिए प्रतिरोध को में एम्पियर मीटर और में वोल्ट मीटर के रूप में संयोजित किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा समांतर और इसमें हो जाएगा सरणी अर्थात श्रृंखला। तो यहां हो जाएगा एमीटर और वोल्ट मीटर की सीमा के विस्तार के लिए प्रतिरोध को समांतर में और एम्पियर मीटर और सरणी में वोल्ट मीटर के साथ में संयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षमता का मापन किसके रूप में किया जाता है। ऑप्शन एक है फैराड, ऑप्शन दो है एमएमएफ, ऑप्शन तीन है हेनरी, ऑप्शन चार है कुलाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एमएमएफ, जिसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 केवी संचरण लाइंस में किस प्रकार के रोधन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन एक पिन और सैकल प्रकार के, ऑप्शन दो डिस्क प्रकार के, ऑप्शन तीन पिन प्रकार के, ऑप्शन चार है सैकल प्रकार के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्क प्रकार के। 132 केवी की लाइन में कौन सा इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है, डिस्क प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग केवल किस आपूर्ति के साथ किया जाता है। ऑप्शन एक दिष्ट धारा जिसे डीसी कहते हैं, ऑप्शन दो प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी कहते हैं, ऑप्शन तीन है विद्युत, ऑप्शन चार है स्पंदकारी जिसे पल्सेटिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीसी आपूर्ति के साथ किया जाता है स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली का उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन प्रावस्थाओं में वाली आपूर्ति को किसकी सहायता से दो प्रावस्थाओं वाली आपूर्ति में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन एक स्टार डेल्टा संयोजन, ऑप्शन दो वीवी संयोजन, ऑप्शन तीन है मुख्य स्विच, ऑप्शन चार है स्कॉट संयोजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा स्कॉट संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि रिसाव अर्थात अर्थ लीकेज परिपथ वियोजक को का दूसरा नाम क्या है, अर्थात इसको और क्या कहा जाता है। ऑप्शन एक अवशेष धारा परिपथ वियोजक जिसे रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, ऑप्शन दो है ढलवा सांचा परिपथ जिसे मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ऑप्शन तीन है तेल परिपथ वियोजक जिसे अपन ऑयल सर्किट ब्रेकर भी कह सकते हैं, ऑप्शन चार है लघु परिपथ वियोजक जिसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो इनमें से कौन सा कहा जाता है भूमि रिसाव अर्थात अर्थ लीकेज परिपथ को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवशेष धारा परिपथ वियोजक जिसे रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्री स्विच अधिकतम गति के पर वियोजित हो जाता है। ऑप्शन एक 75%, ऑप्शन दो 25%, ऑप्शन तीन 90%, ऑप्शन चार है 50%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 75% पर वियोजित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन वाइस का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन एक बहुत कम तापमान वाली वस्तुओं को धारण करने के लिए, ऑप्शन दो है पिन जैसी बहुत छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए, ऑप्शन तीन है बोल्ट्स जैसी बड़ी वस्तुओं को धारण करने के लिए, ऑप्शन चार है अत्यधिक उच्च तापमान वाली वस्तुओं को धारण करने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिन जैसी
जैसी बहुत छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए पिनवाइज का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिपरावस्था स्क्विरल केज परिणाम को किसके द्वारा आरंभ किया जा सकता है? ऑप्शन एक प्रतिरोध आरंभक, ऑप्शन दो डीओ एल और स्टार डेल्टा दोनों, ऑप्शन तीन है डीओ एल स्टार्टर, ऑप्शन चार है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो दस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीओ एल और स्टार डेल्टा दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में प्रयोग किया जाने वाला विद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइट होता है। ऑप्शन एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन दो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन तीन है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन चार है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युतागार के ऊपर जमा सामग्री का द्रव्यमान होता है। ऑप्शन एक वोल्टेज के समानुपातिक, ऑप्शन दो है विद्युत के परिमाण के समानुपातिक और विद्युत रसायन के समतुल्य, ऑप्शन तीन है केवल विद्युत धारा के समानुपाती, ऑप्शन चार है केवल समय के समानुपाती। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत के परिमाण के समानुपातिक और विद्युत रसायन के समतुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रृंखला परिपथ में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक सरणी परिपथ में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी संस्थापना के लघु परिपथ परीक्षण में लघु परिपथ की स्थिति में मैगर पाठ्यांक क्या होना चाहिए? ऑप्शन एक 10,000 ओम, ऑप्शन दो 1,000 ओम, ऑप्शन तीन शून्य, ऑप्शन चार है इकाई। तो इसका राइट आंसर होगा शून्य। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप कमेंट करके बताइए जिससे कि आगे का पाठ जल्दी ला सकूं, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।